आपका स्वागत है मेरे चैनल लॉजिकल एडवाइस में। मैं हूं सुमित और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे ऑनर 9 लाइट का। देख सकते हैं आपके सामने अभी स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों ये फोन। इस फोन की लुक्स बहुत ही प्रीमियम है दोस्तों। यहाँ पे आप फोन को यहाँ पे बैक में यहाँ पे एक मेटेलिक फिनिश दिख जाती है, देख सकते हैं आप, काफी क्लासी लुक दिखता है दोस्तों। यहाँ पे ऑनर 9 3GB की जो कीमत है वो 10,000 है और यहाँ पे ऑनर 9 लाइट के 4GB वेरियंट की कीमत जो है वो 12,000 है दोस्तों। यहाँ पे 2,000 का गैप पड़ रहा है यहाँ। और यहाँ पे हमको 3 कलर ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 है दोस्तों। यहाँ पे हमको एक बैक कवर भी मिल जाता है साथ में, देख सकते हैं कितना प्रीमियम लगता है ये देखने में। यहाँ पे अगर बॉटम की बात करें तो हमको यहाँ पे माइक्रो यूएसबी का 2.0 का एक स्लॉट मिल जाता है और यहाँ पे सिंगल लाउड स्पीकर भी होता है बॉटम में। और अपर साइड की बात करें तो यहाँ पे अपर साइड में कुछ भी नहीं है दोस्तों। सिम ट्रे भी हाइब्रिड है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप एक सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हो और यहाँ पे गायरोस्कोप का हमको सपोर्ट मिल जाता है। फेस अनलॉक फीचर इसमें अवेलेबल है दोस्तों, जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, काफी रियलमी के फोन्स में अभी आया है वो, और ये यहाँ पे हॉनर लाइट वाले भी लेके आ गए उसको। फेस अनलॉक के साथ साथ यहाँ पे हमको फिंगरप्रिंट का सेंसर भी यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, दोनों हमको यहाँ पे यूज करने को मिल जाएंगे। फिंगरप्रिंट और दोनों का जो रिस्पॉन्स है दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, बहुत स्पीड में दोनों ने रिस्पॉन्स किया है। फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो 5.65 इंच की हमको यहाँ पे फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाती है 18.9 एस्पेक्ट रेशो के साथ में दोस्तों। ये जो डिस्प्ले है ये बहुत ही कलरफुल और वाइड एंगल डिस्प्ले है। यहाँ पे गेमिंग वगैरह आप खेलते तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इस डिस्प्ले की वजह से। अगर आप गेम के शौकीन है तो ये फोन आप खरीद सकते हो दोस्तों। यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमको यहाँ पे एंड्रॉइड ओरियो 8.0 के साथ आता है। यहाँ पे स्किन EMI UI के साथ में ये पैच होके आता है, तो यहाँ पे EMI UI के साथ ये पैच होने के कारण यहाँ पे बहुत नए फीचर इसमें ऐड हो गए और फोन काफी स्पीड में वर्क भी कर रहा है। तो यहाँ पे हम बहुत सारा एक्सपीरियंस यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हैं स्मार्टफोन के साथ, देख सकते हैं आप। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे कस्टमाइज करने के। और यहाँ पे गेमिंग भी बहुत जबरदस्त होने वाली दोस्तों। यहाँ पे किरिन का 659 यहाँ पे प्रोसेसर लगाया गया है octa-core का, तो यहाँ पे फोन का स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे हमको कोई भी प्रॉब्लम आने रहा है। यहाँ पे हमने बहुत सारे गेम यहाँ पे लॉन्च करके देखे और बहुत सारा यहाँ पे एक रैम टेस्ट भी किया और पबजी भी बहुत स्मूथ चल रहा है दोस्तों। हमने ट्राई करके देखा पबजी भी इस फोन में, तो अगर आप पबजी खेलने के शौकीन हो तो ये फोन बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। अगर कैमरेज की बात करें तो हमको यहाँ पे फ्रंट में 13x2 मेगापिक्सल का यहाँ पे ड्यूल कैमरा दोनों में, फ्रंट और रियर में दोनों में हमको ड्यूल कैमरा मिल रहा है दोस्तों। मैंने कुछ फोटो अटैच किए, देख लेते हैं दोस्तों। काफी वाइड एंगल है दोस्तों इस कैमरे का, ड्यूल कैमरा फ्रंट में और ड्यूल कैमरा बैक में, दोनों तरफ हमको ड्यूल कैमरा है विथ सेल्फी फ्लैश और रियर फ्लैश दोनों के साथ में। तो काफी कलरफुल पिक्चर्स और डिटेल पिक्चर यहाँ पे आ रही है, रिकॉर्डिंग भी अच्छी है दोस्तों। अगर आपको गेमिंग या किसी और सभी चीज के अगर शौकिंग हो, फुल मल्टीमीडिया फोन है दोस्तों यहाँ पे। ऑडियो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है इस फोन के साथ में मेरा। तो यहाँ पे इस प्राइस रेंज के अंदर अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ये फोन काफी टफ कॉम्पिटिटर है सभी फोन्स के लिए। अगर हम बात करते हैं रेडमी नोट 5 प्रो के साथ में, तो वहाँ पे भी ये फोन उसको टक्कर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10,000 के प्राइस रेंज में, 10 और 12,000 के प्राइस रेंज में इतने सारे फीचर्स। तो लुक्स की अगर बात करें तो बहुत काफी अट्रैक्टिव लुक्स है दोस्तों, क्योंकि यूनिक कुछ है इसके अंदर। और फोन टच रिस्पॉन्स भी बहुत स्पीड में कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास 2 कलर दिख रहे हैं आपके सामने, दिख रहे होंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का भी एक्सपीरियंस करके देखा दोस्तों, फोन काफी फाइन वर्क कर रहा है स्प्लिट स्क्रीन में भी। और अगर हम इसके नोट 5 प्रो के साथ अगर हम इसकी कंपैरिजन करते हैं तो दोनों का साइज एक ही है लगभग, देख सकते हैं आप व्हाइट वाला नोट 5 प्रो रेडमी का दोस्तों। इस प्रकार कुछ ये फोन है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो दोस्तों। अगर खरीदना चाहते हैं तो इस फोन के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी ऑफर सेल चल रहा है अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे शायद, तो ये फोन वहाँ पे सिर्फ 8,000 रुपये में मिल रहा है दोस्तों। अगर आप लेना चाहते हो तो वहाँ से ले सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करो दोस्तों, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नए नए इस प्रकार के वीडियो में लेके आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।